वेलकम टू आरवी। और आज हम जानेंगे तीन वैसे अशुभ चिन्हों के बारे में जो कि आसानी से हमारे हाथों में मिल सकते हैं और उनके प्रभावों के बारे में, ग्रह क्षेत्रों पर यानी कि माउंट एरियाज में एंड लाइंस पे, जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे निशान देख रहे हैं, हम बात करेंगे जाल के बारे में। दोबारा में बात करेंगे एक खास नक्षत्र के बारे में जो कि दो से ज़्यादा क्रॉस के मिले हुए स्वरूप को दर्शाती है। इसके अलावा कोण के बारे में, ये दोनों कोण की शक्ल है, ये किसी भी दिशा और परिस्थिति में आपके विभिन्न पर्वत क्षेत्रों और रेखाओं पे विद्यमान हो सकती है। इसके अलावा वृत्त के चिन्ह के बारे में जो कि आपके विभिन्न ग्रह क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सब दुष्प्रभाव देने वाली है, दुष्प्रभावी रेखाएँ हैं। इसका प्रभाव हमारे लिए हमेशा नकारात्मक और तकलीफदेह होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जाल के शक्ल जैसी आपको दिख रही है, ट्रैप। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे गुरु के क्षेत्र पे। क्या अगर गुरु के क्षेत्र पे कहीं भी ये जाल की स्थिति बनती है तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, या किसी भी पर्वत क्षेत्र पे अगर ये बनती है तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों, अगर एक किसी भी पर्वत क्षेत्र पे उभर आती है तो उस पर्वत क्षेत्र के सुप्रभावों को, जैसे कि आप मकड़ी का जाला देखते हैं, बहुत बड़ा जाला वो लगा दें तो उसके पीछे की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। उसी तरीके से इसके जो सुप्रभाव होते हैं उसे ये जाल ढक देता है, उसे बाहर नहीं आने देता, आपके लिए परिस्थितियां मुश्किल में डाल देता है और मुश्किल कर देता है। अगर ये शनि पर्वत पे आ जाए, आर्थिक मामलों में आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देगा। इसके अलावा इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव अगर हो जाए तो व्यक्ति को जेल यात्रा भी करवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप पे विभिन्न तरीके के आरोप प्रत्यारोप और कलंक लगने की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। आपके अगर सूर्य के क्षेत्र में आ जाए, बहुत बड़ा अपमान, विद्वेष, ईर्ष्याद्वेष जैसी चीज़ें आपको ग्रसित करने लगेंगी। अगर ये बुध के क्षेत्र में आ जाए क्या करेगा, आपके विभिन्न रोजगार के साधनों, अगर आप व्यवसाय करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, आपके आजीविका के जो भी साधन हैं उसमें ग्रहण लगानाएं शुरू कर देगा, तकलीफें शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगेंगी। आपके मंगल के दोनों क्षेत्रों पर आ जाए क्या होगा, सब कुछ रहते हुए भी आप किसी फैसला, कोई फैसला लेने पे और कहीं भी अपने आप को दिखाने में आप कमज़ोर महसूस करेंगे, आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप अपने आप को मजबूर महसूस करेंगे। सब कुछ रहते हुए भी आपको हमेशा लगेगा जैसे कि मैं कैसे जी रहा हूँ, आपको हमेशा दूसरे पे लगेगा कि मैं आश्रित हूँ, आपके पास इतनी शक्ति है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर आप व्यथित रहेंगे, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जनित समस्याएं आपको ग्रसित कर लेंगी, ठीक है, यानी कि हेल्थ इश्यूज। अब इसी को हम मान लें कि मून के क्षेत्र पे आ जाए क्या होगा, मून के क्षेत्र पे आने पे जो इसकी चंचलता है वो जाल आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एकमात्र ये ऐसा माउंट है जो कि अगर इसके दुष्प्रभावी साइंस इस पे आ जाएं तो ये और भी ज़्यादा प्रफुल्लित होकर आपके लिए विकट परिस्थितियाँ खड़ी कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये और मनमोजी हो जाएंगे, आपको हर एक वैसी गलती आपसे करवाएंगे, मानसिक रूप से आपको बेचैन करेंगे जो कि आपके लिए हानिकारक हो। उसी तरीके से अगर आपके शुक्र के माउंट पर आ जाता है तो आपके लिए तकलीफें बढ़ जाती हैं शुक्र से संबंधित। इसका प्रभाव भी अलग अलग है विभिन्न क्षेत्रों में, कहाँ पे है, कब से है, किस रूप में है, इसमें कितनी रेखाएं आपस में एक दूसरे से उलझी हुई हैं, बाहर से किसी रेखा ने काटा है या नहीं काटा है, उन सब के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, उन सब का प्रभाव भी अलग हो जाता है। इसके अलावा अगर राहु के क्षेत्र में है तो क्या करेगा, केतु के क्षेत्र में है तो क्या करेगा, ठीक है। राहु केतु ये जाल कहीं भी है ना तो आपके लिए नुकसानदेह ही है, लेकिन उसका प्रभाव कितना और कब तक और कब से, इसका आकलन जब आपकी हाथ की रेखाओं का अध्ययन होता है तत्पश्चात पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में समझ गए। अब बारी है इस खास चिन्ह के बारे में जिसे हम नक्षत्र चिन्ह कहते हैं। ये अगर आपके हाथों में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है तो इसका क्या प्रभाव होगा, जैसा कि आप शुरू से ही जानते हैं ये अशुभ प्रभाव देने वाली है। तो ये अगर किसी भी ग्रह क्षेत्र पे आ जाती है, इसमें देखना है कि आपको तीन और तीन से ज़्यादा लकीरें आपस में मिली होंगी, ठीक है। हो सके यहाँ से आपको दो ऊपर हो, यहाँ से ज़्यादा हो, बीच में कोई यहाँ से निकल गई हो, 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 ठीक है, कहीं से भी हो, लेकिन तीन और उससे ज़्यादा रेखाएं जब आपस में मिल जाएं
एक क्रॉस जैसी शक्ल में, गुणक जैसी परिस्थिति में, तो उसे आप नक्षत्र का चिन्ह कहेंगे। और इसका प्रभाव व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा तकलीफदेह और काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। अगर ये आपके किसी भी ग्रह क्षेत्र में है तो उससे संबंधित जो भी आपके कार्य हो रहे हैं या जो भी आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उनमें आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। उसमें विभिन्न तरीकों की, जैसे कि आपके बुध के क्षेत्र में है, आपकी आजीविका के साधन में ये विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपके लिए क्रिएट कर देंगे। उसमें क्या होगा कि अब आपके काम इतने देर से होंगे कि जब वो होंगे तब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो वैसे ही आपको कर देंगे। अगर आपके सूर्य के क्षेत्र पर हो तो सब आपके सामने बहुत आपकी जय जयकार करेंगे, पीठ पीछे सब आपकी बुराई करेंगे, ठीक है? तो इसी प्रकार से विभिन्न तरीके से आपके जीवन में उपद्रव खड़ा कर देता है, जीवन को अशांत कर देता है। ये अगर किसी भी लाइन्स के बीच में या लाइन के अंत में या लाइन के शुरू में आ जाए, अगर लाइन के शुरू में आ जाए तो सबसे ज्यादा अशुभ है। ऐसी स्थिति में जीवन भर अपना प्रभाव देता है और बहुत ही तकलीफदेह प्रभाव देता है, बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। अगर सबके लास्ट में आ जाए तो सब होने जाने पर आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। बीच में हो फिर भी ये आपके लिए समस्याएं पैदा करता है। तो ये रेखा अगर ना हो तो ही ये बेहतर है, ठीक है? बहुत ध्यान से आप इसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है? सीधे ना ऐसा समझ लें कि वही है, क्योंकि बहुत सारी लकीरें होती हैं, इनर लाइंस कैसी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा कोण की उपस्थिति, इसकी उपस्थिति ज्यादातर आपको इस हिस्से में पता चलेगी, ठीक है? क्या होता है मुख्य तौर पे जो इसके प्रभाव हैं वे आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, नुकसान देने वाले होते हैं। आपके हाथों की परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी ये सुफल देने वाले भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आपके लिए असफल प्रतीत होंगे और असफलता ही देंगे। ये अगर नीचे इस क्षेत्र में ऐसे करके हैं, किसी खास लाइन से हटके इन्होंने अपना कोण बनाया है, तो उस ग्रह से संबंधित और जिस लाइन के सबसे ज्यादा नजदीक है उससे संबंधित दुष्प्रभाव आपके जीवन में इसके आएंगे। इसके अलावा वृत्त का चिन्ह है, ये आपको बहुत ग्रह क्षेत्रों में मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? गेहूं की जैसी शक्ल में एकदम लगेगा जैसे कि दुबला पतला बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको चुपचाप बैठाने की हैसियत रखता है, किसी काम का नहीं छोड़ता है, ठीक है? ये विभिन्न क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे, ये आसानी से मिल जाएंगे सबके हाथ में। अमूमन मैं एक दो देख ही लेता हूँ, ठीक है? तो वृत्त के चिन्ह आपको कहीं भी रेखाओं के बीच में भी आके विराजमान हो जाएंगे, ठीक है? और दोनों रेखाओं को आपस में ऊपर और नीचे से जोड़ देंगे। तो ये तीसरी एक गति है, कहीं भी घुस जाते हैं और वहां जाके आपके लिए मुश्किलें पैदा करना ये शुरू कर देंगे, ठीक है? इनका बस यही काम है, लेकिन बहुत ज्यादा ये कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर आप चौकन्ना हैं और सावधान हैं तो ये आपका ज्यादा कभी बुरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कहीं से भी आप थोड़े से ढीले ढाले हुए तब तो फिर चौके पे छक्का लगाने लगेगा आपके लिए, ठीक है? तो ये थे कुछ खास अशुभ तीन रेखाएं। शुभ रेखाओं की भी अभी और बहुत लंबी फेहरिस्त है, अशुभ रेखाओं की भी लंबी फेहरिस्त है, उन सब के बारे में जानेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरवी।